जय हिंद दोस्तों, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर का हिस्सा होते हुए भी आप पैरा जंप्स कर सकते हैं और पैरा विंग बैज को पैरा स्पेशल फोर्सेस मार्कोस कमांडोस की तरह अपने चेस्ट पर पहन सकते हैं। लेकिन एनसीसी में पैरा विंग बैज कैसे? देखिए, एनसीसी स्कूल और कॉलेज लेवल पर एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है। 1917 से लेकर के आज तक लाखों कैडेट एनसीसी की ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर चुके हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एनसीसी की ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। तो देखिए, एनसीसी के कोर्स में पैरा जंप्स की अपॉर्चुनिटी साल में दो बार आता है, एक सितंबर में, एक नवंबर में। एनसीसी ऑल ओवर इंडिया में सालाना 1400 कैंप्स लगाती है जहां से कैडेट को ट्रेन किया जाता है। सभी कैंप से 40 कैडेट आ सकते हैं पैरा जंप्स के लिए। 40 में से 20 गर्ल्स के लिए होते हैं, 20 बॉयज के लिए होते हैं। और ये कोर्स करने का मौका उन्हीं को दिया जाता है जो कैंप में सबसे फिट, जिनका स्टेमिना अच्छा हो, जिनका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। पैरा की ट्रेनिंग में ज्वाइन होने से पहले फिजिकल एंड्योरेंस और पावर की एक टेस्ट ली जाती है। इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही आप पैरा के लिए जा सकते हैं। इस टेस्ट में 1 किलोमीटर के रन आपको 4 मिनट में करना है, 5 से 6 आपको पुलअप्स करने हैं, 20 से 25 पुशअप्स करने हैं, 36 से 40 स्क्वाट्स करने हैं। ये सारी चीज बैक टू बैक करने हैं ताकि आपका एंड्योरेंस एंड स्टेमिना का पता चल सके। उसके बाद आपको इंटरव्यू सेक्शन में भेजा जाएगा। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेजा जाएगा। एनसीसी से जो कैडेट्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं उन्हें मौका मिलता है पैरा स्पेशल फोर्सेज मार्कोस और गरुड़ जैसे एलीट स्पेशल फोर्सेस के साथ में ट्रेनिंग करने की। एनसीसी पैरा जंप्स में कुल 5 जंप्स होते हैं जनरली, जिनमें से 3 डे टाइम में होता है और 2 रात के घने अंधेरे में बैटल गियर के भारी वजन के साथ होता है। एनसीसी के लिए ये पैरा बेसिक कोर्स 12 दिन की होती है। इस 12 दिन में उन्हें पैराशूट से जंप लगाने की बेसिक टेक्निक सिखाए जाते हैं और साथ में ये 5 जंप्स करवाए जाते हैं। एनसीसी के लिए पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में डेली रूटीन क्या होता है? इनका डेली रूटीन भी बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ये डेली रूटीन टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली यही रूटीन रहता है। सबसे पहले सुबह के 4 से 4:30 के बीच में बिस्तर छोड़ के उठना है, उसके बाद फ्रेश होकर के पीटी और वार्म अप के लिए जाना है। लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट होता है और उसके बाद 6 से 7 बजे के बीच में ग्राउंड में रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके बाद 45 मिनट से लेकर के 1 आवर तक रनिंग करना होता है। उसके बाद पैरा की बेसिक थ्योरी पीरियड होता है और शाम को रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज करवाए जाते हैं। एनसीसी के दौरान पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में ट्रेनिंग लेते हुए आप एक्सपीरियंस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के AN-32 का एक बहुत ही बेहतरीन सफर। लगभग 16 से 17 हजार फीट से आपको जंप लगाना है इसी AN-32 से। इस 12 दिन के कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद एनसीसी के यूनिफॉर्म के ऊपर आप लगा सकते हैं पैरा विंग बैज। ये वही पैरा विंग बैज है जो पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा ट्रूपर्स के द्वारा पहना जाता है इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म पर। लेकिन एनसीसी के बेसिक पैरा ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको मरून बेरे नहीं दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एनसीसी के दौरान ही आप इस तरह के कोर्सेज भी कर सकते हैं और बन सकते हैं एक पैराट्रूपर्स। जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।